व्हाट्सअप ब्रो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज का टाइटल है दिनेश लाल यादव का भाई विजय लाल यादव को देखिए कितना भीषण एक्सीडेंट हो गया, तो आइए देखते हैं कैसे हुआ। ये हैं वर्षित सिंह यादव जी, जो खुद विजय गाड़ी में साथ में थे, बताएंगे कैसे हुआ था। सुबह में वो लखनऊ आ रहे थे, लगभग बनारस से 4 बजे के आसपास निकले और 8 बजे के आसपास बाराबंकी पहुंचे। वहाँ से लखनऊ 21 किलोमीटर दूर था, गाड़ी लगभग हम लोग की 120 की रफ्तार में थी और स्लो ही चल रहे थे। इसके बाद क्या हुआ कि वो पानी 6 लेन पे लगा हुआ था और अचानक जो गाड़ी क्रॉस की, पानी का जो है कि छिट्टा बिल्कुल आगे शीशा पे चला आया, और आगे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस पर लेके ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए और इसके बाद जाके डिवाइडर में गाड़ी जो है कि टकरा गई और लगभग जो है कि 10 बार गाड़ी अल्टा पलटी हुई है। अल्टा पलटी होने के बाद जो है कि बस मालिक का इतना शुक्रगुजार हम लोग और मालिक के इतने वो हैं कि किसी तरह से हम लोग की जान बच गई। गाड़ी देखने के बाद ये नहीं लग रहा है मतलब हम लोग की जान बचना था। अभी कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग ठीक ठाक है, बढ़िया, भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ठीक ठाक है। दर्शकों बोल दीजिए परेशान है। हाँ नहीं, सब लोग ठीक ठाक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। विजय भैया भी बहुत अच्छे तरह से है, ड्राइवर पिंटू भैया वो भी बहुत अच्छे तरह से है और हम भी बिल्कुल अच्छे तरह से हैं और कल आप लोग कल आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो गाइज, आप लोगों ने देखा विजय लाल यादव के साथ दो और उनके दोस्त थे जो कि दिनेश लाल यादव से मिलने के लिए जा रहे थे लखनऊ, जो कि गाड़ी 120 के स्पीड में थी। उसी दौरान एक डिवाइडर से टकरा जाने की वजह से गाड़ी लगभग 4-5 पलटी मार दिया। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि एक्सीडेंट कितना भयानक हुआ होगा, लेकिन अब भगवान का शुक्र है कि तीनों आदमी का कुछ नहीं हुआ। अभी तीनों आदमी सुरक्षित है, हॉस्पिटल में है। गाइज, एक्सीडेंट है जो एक अनवांटेड चीज है जो कि किसी के साथ कभी भी हो सकता है। तो गाइज, ऐसा ही न्यू अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।